ये सीलिंग फैन रिपेयर होने के लिए हमारे पास आया है। इसे आज हम ठीक करके दिखाने वाले हैं। तो पहले हम सीरीज से टेस्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले बॉडी शॉट चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बॉडी शॉट तो नहीं है। ये इसका बॉडी शॉट तो नहीं दिखा रहा है। पंखा बहुत ही स्लो घूम रहा था। अब हम इसे चला कर देखते हैं इसका स्पीड कैसा है। देखिए दोस्तों, ये हाई स्पीड का पंखा है। ये इसका स्पीड बिल्कुल ही नहीं बन रहा है, बहुत ही स्लो घूम रहा है। देखिए दोस्तों, इसे आज हम ठीक करके दिखाने वाले हैं। इसका क्या प्रॉब्लम है आज सब कुछ हम बताने वाले हैं। हम कैपेसिटर के कनेक्शन को हम खोल देते हैं। खोल के इसको लीडो को हम चेक कर लेंगे एक बार। देखिए दोस्तों, ये सीरीज से हम टेस्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, लेकिन ये स्टार्टिंग का नहीं बता रहा है और रनिंग और स्टार्टिंग तो शॉर्ट बता रहा है, ये नहीं बताना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये रनिंग और स्टार्टिंग ये शॉर्ट दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, इसे अब हम खोल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। रनिंग सही है, ये रनिंग में ही घूम रहा है पंखा। ये स्टार्टिंग इसका ये नहीं बता रहा है। इसे हम खोल के देखते हैं एक बार। पहले इसे हम खोल लेते हैं कैपेसिटर क्लैंप को। खोल लिया है दोस्तों, इसके चार तीनों नोटों को हम खोल लेते हैं और ये पंखा को हम अब ओपन कर लेते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है हम आप पूरी तरह से चेक करके हम अब दिखाएंगे। खोल दिए हैं इसे। अब हम पेचकस के मदद से हम थोड़ा पेचकस को घुसा के हम ऊपर करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा ओपन हो गया है। ये एक ही पेचकस नहीं हो पा रहा है, दोनों पेचकस से इसे हम ओपन करेंगे। देखिए दोस्तों, ये अब हो गया। मदद से हम ऊपर कर लेते हैं, वरना ये कवर हटाने के वक्त ये कट जाएगा, लीड कट जाएगा। इसलिए देखिए दोस्तों, ये कवर ऊपर का ये खुल गया है। देखिए दोस्तों, कॉइल तो बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन एक कॉइल शायद पहले ही रिपेयर होके कहीं पे आया है, ये रिपेयर हुआ है। इसके नीचे के कवर को हम खोलते हैं, फिर ये पता चलेगा इसका प्रॉब्लम क्या है। देखिए दोस्तों, ये खोल गया है। देखिए दोस्तों, इसे हम हटा देते हैं। देखिए दोस्तों, ऊपर से तो कॉइल सही दिखा रहा है। देखिए, ये नीचे से देखिए दोस्तों, ये स्टार्टिंग का एक कॉइल जल गया है और ये रनिंग और स्टार्टिंग एक हो गया है। देखिए दोस्तों, इस वजह से रनिंग और स्टार्टिंग ये शॉर्ट दिखा रहा था। यार नहीं होने वाला है, इससे अब हम बदलने वाले हैं।
पहले से ये रिपेयर रनिंग का कोई रिपेयर हुआ था या किसी मिस्त्री ने ये रिपेयर किया था, किसी हम नया कॉल डाल के हम दिखाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये पुराना कॉइल है, ये नया कॉइल है, इसको हम इसका पंखे में हम आज डालने वाले हैं। ये कॉइल को सही है या नहीं हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, फिर इस पंखे में हम ये डाल के दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, इसका लुक तो बिल्कुल सही दिखा रहा है, बॉडी शॉट भी नहीं है। देखिए दोस्तों, बॉडी शॉट भी नहीं है, लुक भी सही दिखा रहा है। ये कॉइल ओके है, इससे अब हम डालने वाले हैं। पहले हम इसके ऊपर के कवर को हम सेटिंग कर लेते हैं कॉइल के। देखिए दोस्तों, ये इसका बेयरिंग में ये सीट बहुत ही आसानी से जा रहा है, मतलब बहुत ही लूज है तो ये सापट ये कट जाएगा इसका ये। तो इसे अब हम ये छेनी की मदद से थोड़ा ये स्पंज कर लेते हैं, इस वजह से ये बेयरिंग थोड़ा टाइट जाएगा, कर देंगे ये छेनी की मदद से, तो ये बेयरिंग अपने आप नहीं घूमेगा। देखिए दोस्तों, ये चारों तरफ हो गया, अब हम इसे फिटिंग करते हैं। देखिए दोस्तों, ये ऊपर के कवर में अब हम डाल के देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये पहले देखिए दोस्तों, ये बहुत ही लूज जा रहा था, लूज नहीं जा रहा है, बहुत ही टाइट जा रहा है। इसे थोड़ा हम ठोक के इसे बिठाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये लकड़ी की मदद से हम ठोकने पर ये बैठ गया है। देखिए दोस्तों, इसके रोटर को हम डाल के देखते हैं, बिठा के देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये अभी पूरी इसके रोटर की बराबर में है, घूम भी रहा है बिल्कुल सही से, बिल्कुल फ्री। अब हम इसके नीचे की कवर को हम इसके लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, नीचे का कवर को हम लगा देते हैं। ये पूरी तरह से ये नीचे की कवर पे अब नहीं बैठा है, थोड़ा इसे अब हम दाब दे दें। देखिए दोस्तों, ये अब बिल्कुल ही फ्री हो गया है, और ये भी बिल्कुल इसी तरह से ही बैठ गया है। इसके तीनों नटों को अब हम कस देते हैं। तीनों नटों को पूरा ये फुल टाइट कर देते हैं, वरना ये लूज रहेगा तो ये प्रॉब्लम करेगा। तीनों नटों को बराबर से इसे हम टाइट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये तीनों नट टाइट हो गया, बिल्कुल ही फ्री घूम रहा है। देखिए दोस्तों, अब हम घुमा के देखते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही आराम से घूम रहा है। कहीं पे ये टच हो रहा है। देखिए दोस्तों, इसे हम लकड़ी की मदद से ठोकने पर देखिए दोस्तों, इसका ये साउंड हम बंद करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ये रोटर कहीं पे टच हो रहा है, चिक चिक की आवाज़ आ रहा है, ठोकने पर ये सही हो गया।
कैपेसिटर क्लैंप को कसने के बाद ये कैपेसिटर इसमें जोड़ के अब एक बार हम ट्रायल कर लेते हैं कि कैसा चल रहा है। अब हम ये कैपेसिटर को इसमें डाल के इसके कनेक्शन को हम पूरी कर देते हैं और फिर देखते हैं, चालू करके देखते हैं इसका स्पीड कैसा बन रहा है। अभी पहले से ज़्यादा स्पीड बन रहा है या उतना ही जितना स्पीड था उतना ही बन रहा है। अब हम ये ट्रायल करके हम देखेंगे तब ही पता चलेगा। देखिए दोस्तों, कनेक्शन तो पूरी हो गया। अब हम देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, बहुत ही झटके से ये घूम रहा है, मतलब ये अब ये सही हो गया है। देखिए देखिए दोस्तों, ये उल्टी दिशा में भी घूम रहा है। एक बार हम चला के देखते हैं, लाइट से चला के देखते हैं इसका स्पीड कैसा आ रहा है। देखिए दोस्तों, अब हम इसे कनेक्शन कर देते हैं इसका स्पीड चेक करने के लिए। इसे चालू करके देखते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी ये देखे देखते हैं इसका स्पीड कैसा बन रहा है। देखिए दोस्तों, पहले हम सीरीज में टेस्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सीरीज में ही ये पता चल गया है इसका स्पीड। देखिए दोस्तों, ये पहले जितना स्पीड घूम रहा था उसकी ये डबल स्पीड ही घूम रहा है। देखिए दोस्तों, बहुत ही इसका स्पीड पकड़ लिया है। ये हाई स्पीड का पंखा है। देखिए देखो दोस्तों, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना। ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।